स्टार्टेड। सेल्स में अगर हम बुलविफ टर्म की बात करें तो उसको समझ लेते हैं। द बुलविफ इफेक्ट एक्सप्लेन दैट हाउ स्मॉल फ्लक्चुएशंस इन कस्टमर डिमांड कैन क्रिएट लार्जर फ्लक्चुएशन इन होल सप्लाई चेन। तो फ्रेंड्स, हमारे कस्टमर की डिमांड में थोड़ा सा शिफ्ट होने की वजह से, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होने की वजह से होल सप्लाई चेन में एक लार्जर फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। इस फ्लक्चुएशन को ही हम बुलविफ इफेक्ट कहते हैं, जिसको कि हम आगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि बुलविफ टर्म ये इन्वेंट हुआ कैसे। सो वी ऑल्सो कॉल्ड इट फॉरेस्टर इफेक्ट बिकॉज द टर्म बुलविफ इफेक्ट वॉज इन्वेंटेड बाई जे फॉरेस्टर हु वॉज ए लीडिंग अमेरिकन कंप्यूटर इंजीनियर एंड द इन्वेंटर ऑफ मैग्नेटिक कोर कंप्यूटर मेमोरी। सो फ्रेंड्स, बुलविफ इफेक्ट को हम फॉरेस्टर इफेक्ट भी कहते हैं, जो कि इसके इन्वेंटर मिस्टर जे फॉरेस्टर के नाम पे पड़ा हुआ है। एंड जे फॉरेस्टर जो कि एक अमेरिकन कंप्यूटर इंजीनियर थे, जिन्होंने कि बाद में मैग्नेटिक कोर कंप्यूटर मेमोरी को भी डेवलप किया। अब हमारे होल सप्लाई चेन में किस तरीके से बुलविफ इफेक्ट क्रिएट होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं हम एक डायग्राम के थ्रू। फ्रेंड्स, ये हमारा कस्टमर है एंड कस्टमर की डिमांड में हल्का सा शिफ्ट होने की वजह से कुछ इस तरीके से कर्व बनता है, जो कि अलग अलग एरियाज में होता है। कस्टमर से रिटेलर, रिटेलर से डिस्ट्रीब्यूटर एंड डिस्ट्रीब्यूटर से मैन्युफैक्चरर, एंड इसके आगे हम देखें तो मैन्युफैक्चरर से सप्लायर्स जो होते हैं, रॉ मटेरियल जो सप्लायर्स होते हैं, उनमें भी ये फ्लक्चुएशन और ज़्यादा वाइडर दिखता है। इसको अगर हम समझें, अगर हम माने कि कस्टमर की जो डिमांड थी वो 90 नंबर से थोड़ा सा इंक्रीज हुई है 100 नंबर्स पे, तो जैसे ही कस्टमर ने 100 नंबर्स की रिक्वायरमेंट दी तो रिटेलर ने उसके अकॉर्डिंग अपनी जो रिक्वायरमेंट थी या अपनी इन्वेंट्री थी उसको 130 नंबर्स कर दिया, यानी कि 100 नंबर्स कस्टमर के लिए एंड 30 उसका सेफ्टी स्टॉक। ये इन्फॉर्मेशन जब डिस्ट्रीब्यूटर तक गई तो डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने स्टॉक को 170 नंबर्स कर दिया। एंड आगे अगर बात करें तो मैन्युफैक्चरर ने उसी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपने इन्वेंट्री लेवल को 200 तक बढ़ा दिया। एंड इसके आगे जो हमारे रॉ मटेरियल सप्लायर हैं उनके स्टॉक में भी बिगर फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। एंड अगर ये बुलविफ इफेक्ट इसी तरीके से हमारे सिस्टम में कंटिन्यू रहता है तो ये बढ़ता ही जाता है, ये फ्लक्चुएशन कम होने के बजाय बढ़ता ही जाता है। एंड अगर इसी तरीके से बुलविफ इफेक्ट हमारे होल सप्लाई चेन में बना रहेगा तो जो मेजर प्रॉब्लम हो सकती है अगर उसको हम देखें, द फ्लक्चुएशन ऑफ ऑर्डर मे बी लार्जर देन रेट ऑफ एक्चुअल सेल्स। तो हमारा जो फ्लक्चुएशन है वो हमारी जो एक्चुअल सेल है, यानी कि जो कस्टमर की डिमांड है, उसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से इन्वेंट्री लेवल मे इंक्रीज थ्रू आउट द होल सप्लाई चेन विच मे लीड एक्सेसिव सप्लाई चेन कॉस्ट। फ्लक्चुएशन ज़्यादा होने की वजह से हमारे होल सप्लाई चेन में डिफरेंट लेवल पे जो इन्वेंट्री है वो बढ़ जाएगी, एंड उसके वजह से इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट या फिर और अदर वे में अगर हम बात करें, जो इन्वेंट्री है उसकी क्वालिटी को लेके, उसकी मेंटेनेंस को लेके, उसके स्पेस एक्यूमुलेशन को लेके, ऑल ओवर जो कॉस्ट है वो हमारी होल सप्लाई चेन की इंक्रीज हो जाएंगी, जो कि एक वेस्ट हमारे सिस्टम में क्रिएट करता है। आगे अगर हम बात करें बुलविफ इफेक्ट हमारे सिस्टम में किन किन कारणों से हो सकता है उनको देख लेते हैं। इनकरेक्ट फोरकास्ट डिमांड, सेकंड वन अगर देखें लीड टाइम प्रॉब्लम, थर्ड वन को देख लेते हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन, एंड द फोर्थ वन हाई प्राइस डिस्काउंट। हम एक्शन प्लान में अगर हम देखें कि किस तरीके से मिटिगेट कर सकते हैं अपने होल सप्लाई चेन में बुलविफ इफेक्ट को, तो अगर हम पहले रीजंस को अगर देखें इनकरेक्ट फोरकास्टिंग डिमांड्स, तो उसके अगेंस्ट जो हमारा एक्शन प्लान है, वी शुड सस्टेन रेगुलर फिजिकल इन्वेंट्री वेरिफिकेशन एंड इनिशिएट सम ऑटोमेशन टू अवॉइड इनकरेक्ट इन्वेंट्री फोरकास्ट। हमें रेगुलर फिजिकल इन्वेंट्री वेरिफिकेशन करने हैं एंड कुछ ऑटोमेशन सिस्टम हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो सो दैट हमारा जो इन्वेंट्री फोरकास्ट है वो होल सप्लाई चेन में करेक्ट वे में करेक्ट टाइम पे पहुंच सके। सेकेंड अगर रीजन को देखें लीड टाइम प्रॉब्लम, तो उसके एक्शन प्लान को अगर देख लेते हैं, वी शुड रिड्यूस लीड टाइम एंड सप्लाई चेन शुड बी रन अकॉर्डिंग टू प्रॉपर कैलकुलेटेड लीड टाइम। फर्स्ट हमें अपने लीड टाइम के ऊपर फोकस करना है, किस तरीके से रिड्यूस किया जाए, एंड जो हमारा एक्चुअल लीड टाइम है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने डिमांड को, अपने सप्लाई चेन को प्लान करना चाहिए, उसे रन करना चाहिए।
थर्ड, अगर प्रॉब्लम को देखते हैं हम लैक ऑफ कम्युनिकेशन, उसके एक्शन प्लान के लिए देखें, वी शुड मेंटेन गुड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द सप्लाई चेन एट माइक्रो लेवल रिगार्डिंग फ्लक्चुएशन इन डिमांड। हमारा जो होल सप्लाई चेन है उसमें हमने अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो कस्टमर से रॉ मटेरियल सप्लायर तक के बीच प्रॉपर वे में सही डेटा के साथ, सही नंबर्स के साथ फ्लो होनी चाहिए, सो दैट कि जो हमारे डिमांड में शिफ्ट है, जो फ्लक्चुएशन है, वो सभी एरियाज में यस विद इन द होल सप्लाई चेन प्रॉपरली टाइम टू टाइम कम्युनिकेट होती रहे। फोर्थ रीजन को देखें, हाई प्राइस डिस्काउंट। तो उसके एक्शन प्लान को अगर हम समझें, वी शुड कंट्रोल द प्राइस फ्लक्चुएशन लिमिट एंड वी कैन ऑल्सो सेल अंडर परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स विद गुड डिमांड प्रोडक्ट्स। जैसे हमने बात की, जो हमारे अंडर परफॉर्मिंग प्रोडक्ट हैं उनको सेल करने के लिए हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बहुत ज़्यादा नीचे न गिराते हुए उन्हें हम जो हमारे गुड परफॉर्मिंग प्रोडक्ट है या जिनकी डिमांड अच्छी है उनके साथ हम उनको किसी ऑफर के अंडर सेल कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमारे जो बुलविफ इफेक्ट को क्रिएट करने वाले जो कारण हैं उनको हम मिटिगेट कर सकते हैं, बुलविफ इफेक्ट को हम अपने होल सप्लाई चेन में कम से कम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप बुलविफ इफेक्ट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी सप्लाई चेन का, उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है, आई होप वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ शेयर योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स एंड इफ़ दिस ट्यूटोरियल एड वैल्यू टू यू, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद इन योर सर्किल एंड वी विल गेट बैक सून विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप वॉचिंग PPM, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन मैन्युफैक्चर।